आइए, आपका इंतज़ार था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारी दुआ इसी तरह, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए नई नई डिशेज लेकर। तो आइए, आज मैं बनाने जा रही हूँ हक्का नूडल्स। तो गाइस, सबसे पहले हम पानी लेंगे। देखिए, एक पैन में हमने पानी गर्म कर दिया और इसमें हम नूडल्स मिक्स कर रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह मेल्ट करेंगे। ये देखिए, हमने मेल्ट कर दिया है इसे, ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसे दूसरे पैन में निकाल के रख देंगे। ये देखिए, हमने निकाल दिया है। तो गाइस, अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर तेल डाल दिया और ये हमारा तेल गर्म हो गया। अब इसमें हम चॉप्ड किए हुए गार्लिक और जिंजर डालेंगे, ये देखिए, और इसे हम हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। और अब हमने एक प्लेट में ले लिया है कटी हुई शिमला मिर्च, गाजर और प्याज। ये देखिए गाइस, इसका कलर बिल्कुल हमारे तिरंगे की तरह आया है। ये देखिए, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट, बिकॉज वी आर इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो गाइस, खाना बनाने टाइम कुछ अगर गाना हो जाए तो खाना जल्दी ही बनता और टेस्टी भी बनता। तो क्यों ना हम एक गाना सुना जाए। इसका मुखड़ा काफ़ी ज़्यादा निखर के आ रहा, तो क्यों ना मुखड़े पे गाना हो जाए। आइए सुनाती हूँ। मुखड़ा चांद का टुकड़ा, वाह वाह वाह, क्या गाना है सही में, वाकई में क्या इसका मुखड़ा निखर के आया। देखिए गाइस, हम इसमें धीरे धीरे चाउमीन डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। ये हक्का नूडल से इसलिए से ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, वरना ये टूट जाएगा। ये देखिए, हमने इसमें सारा चाउमीन डाल दिया। अब इसे हल्के हाथों से चलाना है गाइस। अब हम इसमें सॉल्ट और काली मिर्च डालेंगे, ये देखिए हमने डाल दिया। और इसमें अब हम नूडल्स मसाला डालेंगे, हमने नूडल्स मसाला भी डाल दिया। अब इसमें हम सोया सॉस थोड़ा सा मिलाएंगे। ये देखिए, हम इसमें सोया सॉस मिलाने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने सोया सॉस मिला दिया इसमें। ये सोया सॉस मिलाने से इसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल बाज़ार की तरह लग रहा है गाइस। देखिए, ये बिल्कुल ही बाज़ार की तरह हो गया है। बाज़ार में फ्रेश नहीं मिलते हैं, बट ये घर में बनाया जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। ये देखिए, हमारा नूडल्स बन करके तैयार हो गया है। आप इसे गार्निश कर सकते हैं टोमेटो सॉस और मेयोनीज़ के साथ। ये हमने सर्व कर दिया। तो गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट नई नई डिशेज के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और हमें दिल से ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू गाइस सो मच। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।